पहले आर्थिक तंगी से जूझ रही थी। घर के सदस्यों के भरण पोषण की गंभीर समस्या थी। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत मिला लोन, दोना पत्तल बनाने की मशीन खरीदी और प्रति माह 10,000 की हो रही है आय। घर का संचालन, बच्चों की पढ़ाई से हुई चिंता मुक्त और अब खुद का व्यवसाय भी है। जीवन की राह आसान हुई है। माँ शेरावाली महिला स्व सहायता समूह के अध्यक्ष सुगंधी देवी सुपेला गदा चौक के पास की निवासी हैं। यह बताती हैं कि पहले अन्न के लिए और दो वक्त के खाने के लिए मुश्किल से गुजारा हो रहा था। घर का संचालन करने में परेशानी थी, ऊपर से बच्चों की पढ़ाई की चिंता थी। घर के पुरुष सदस्य का स्वयं का कोई व्यवसाय नहीं था। चारों तरफ से रोजगार के कोई साधन नहीं दिख रहे थे। जब पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत रोजगार मेला के माध्यम से लोन मिलने की जानकारी हुई तो वर्ष 2017 में 1,50,000 रुपए का लोन लेकर दोना पत्तल मशीन खरीदने का फैसला लिया और रोजगार प्राप्त हुआ। दोना पत्तल के विक्रय से धीरे धीरे आय बढ़ती गई और इन पैसों से उन्होंने अपने और परिवार के सद्स्यों के लिए दुकान खोली तथा आज इनके द्वारा डेली नीड्स एवं दोना पत्तल के दो दुकानों का संचालन किया जा रहा है। बच्चों की पढ़ाई की चिंता से भी मुक्त हुई और घर का संचालन भी यह आसानी से कर रही हैं। दोना पत्तल के विक्रय से प्रति माह 10,000 रुपए का आय अर्जित कर रही हैं। योजना के लाभ मिलने से यह सब संभव हो पाया है। उल्लेखनीय है कि निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। इसी तारतम्य में योजना के नोडल अधिकारी सुनील अग्रिहरी एवं सहायक परियोजना अधिकारी फणीन्द्र बोस स्व सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार की दिशा में आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। माँ शेरावाली महिला स्व सहायता समूह की सफलता की कहानी बताती है कि आज वह आर्थिक रूप से मजबूत हो चुकी हैं। समूह की अध्यक्ष सुगंती देवी ने बताया कि वह पहले घर की परिस्थितियों को लेकर हुए घर की आर्थिक रूप से मदद करना चाह रही थी। इसके लिए उन्होंने सिलाई मशीन खरीदकर सिलाई के माध्यम से अपना कार्य प्रारंभ किया। सिलाई का काम अधिक होने पर पैरों में सूजन आने की समस्या हुई, तब दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की जानकारी मिली और उन्होंने लोन लेकर खुद का अपना व्यवसाय करने का ठाना। योजना से लोन मिला और दोना पत्तल की मशीन खरीदी तथा दोना पत्तल बनाने का काम शुरू हुआ। यहीं से महिला को सफलता मिलना शुरू हुआ। अब डिमांड इतनी है कि पूर्व से भी ऑर्डर मिल रहे हैं। एक घंटे में 65 बंडल दोना पत्तल इनके द्वारा तैयार किया जाता है और एक बंडल में लगभग 20 दोना पत्तल होते हैं। दोना पत्तल के विक्रय से प्रथम वर्ष में ही 1,00,000 की आय हुई। दूसरे वर्ष 2018 में 1,20,000 रुपए मिले और तीसरे वर्ष 1,35,000 रुपए की बिक्री हुई। इस प्रकार से आर्थिक तंगी से इन्हें छुटकारा मिलने लगा और इनके इरादे मजबूत होते गए। माँ शेरावाली महिला स्व सहायता समूह में सचिव देवकी साहू एवं कोषाध्यक्ष सुनीता पांडे भी शामिल हैं। समूह के अध्यक्ष ने बताया कि दोना पत्तल के लिए कच्चा सामग्री रायपुर से क्रय किया जा रहा है। आसपास के मोहल्ले सहित अन्य क्षेत्र के नागरिक दोना पत्तल खरीदने पहुँच रहे हैं। भिलाई के कई व्यापारी यहीं से दोना और पत्तल खरीद रहे हैं। एक दिन में 3 से अधिक बोरी दोना पत्तल का विक्रय आसानी से हो रहा है। विद्युत से चलने वाली इस मशीन से छोटा दोना, बड़ा दोना एवं अलग अलग प्रकार के पत्तल महिलाओं के द्वारा तैयार किए जा रहे हैं और इसके विक्रय से आर्थिक उन्नति की राह पर भी अग्रसर हो रहे हैं।